हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जेकेएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कल शाम को और आज मॉर्निंग में भी देखने को मिली, और वो ये है, खासकर आप में से अगर कोई जेकेएसएसबी क्लास 4 का एस्पायरेंट है या जेकेएसएसबी फाइनेंस जो माइग्रेंट कोटा है उसके अंडर जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसके लिए दो तीन नोटिफिकेशन आज आई हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 4 एग्जाम के कैंडिडेट्स के लिए। गाइज, आप सबके लिए 26 मार्च से एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे, जिसमें आप लोग अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं, जिसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंडर आपकी जो आपकी सिलेक्शंस होनी है या डिविजनल कैडर में है या आपका यूटी कैडर में, राइट। तो ये सारी चीजें जब आप वहां पे फिल करेंगे, जब भी लिंक एक्टिवेट होगा इसको ध्यान से भरिएगा, जिसके अंडर भी आप फॉल करना चाहते हैं। दूसरी चीज, आप में से जिसका भी माइग्रेंट कोटा के अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर आपने अप्लाई किया था एडवर्टीजमेंट नंबर 3 जो था 2020 का, उसका जो एग्जामिनेशन है जो कि 28 मार्च को कंडक्ट होने वाला है वो पोस्टपोन किया गया है, और वो आपका एग्जाम जो है उसकी नई एग्जाम डेट है जो कि आपकी 5 अप्रैल 2021 है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका ये माइग्रेंट कोटा के अंडर रिक्रूटमेंट है, इसमें आपका अलग अलग डेट्स के एग्जाम से सिर्फ 28 मार्च वाला एग्जाम ही आगे शिफ्ट किया गया है 5 अप्रैल 2021 तक, बाकी सभी अपनी डेट पे होंगे और अपने पर्टिकुलर टाइम पे होंगे। एक और चीज, जो आप एडमिट कार्ड 28 वाला के लिए डाउनलोड कर चुके हैं, या जैसा कि आप जानते हैं आज आपकी 26 मार्च और परसों ही पेपर है आपका, राइट, संडे को, तो आपका वही एडमिट कार्ड एक्सेप्ट किया जाएगा 5 अप्रैल वाले के लिए। तो अगर आप नया डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो वाला भी आपका एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और दूसरी चीज, क्लास 4 के कैंडिडेट्स, कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों ने पहले भी बताया था कि कुछ क्वेरीज थी आपकी, कि जो आप पहले आंसर की आई थी उसके जो आंसर्स थे उसमें कुछ आप चाहते थे कि एक बार आपने रिप्रेजेंटेशंस दिए थे जेकेएसएसबी को, तो आपकी रिवाइज आंसर कीज जो है सभी शिफ्ट्स की वो आ चुकी हैं, आपकी जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर आप लोग वो डाउनलोड करना चाहते हैं जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए और वहां से इजीली उनको डाउनलोड करिए, और फिर से आप अपने मार्क्स चेक करिए, टोटल स्कोर आपका क्या बनता है, और वीडियो के एंड में एक बार जरूर कमेंट करें कि आप लोगों का रिवाइज स्कोर जो है वो आपका क्या बन रहा है, पहले कितना था अब कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर, क्या अब तो नहीं कोई ऐसी क्वेरी है। तो ये सारी चीजें आप खुद से चेक करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपका टोटल अटेम्प्ट से और कितना आपका स्कोर आया, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, राइट। तो ये सारी अपडेट्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासकर जिनका भी एग्जाम है और जो क्लास 4 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये चीज अब आपके सामने ही है, दोबारा रिवाइज आंसर किया है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि क्लास 4 का रिजल्ट भी जल्दी अनाउंस किया जा सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। तब तक जो आपकी बाकी रिक्रूटमेंट्स हैं, जिसमें जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट जिसकी एडवर्टीजमेंट नंबर जो अभी लेटेस्ट था 1st of 2021, इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, इसके लिए कल भी वीडियो हमने डाला था शाम को, तो आप सभी उसका फॉर्म भरिए, 29 तक उसकी लास्ट डेट है, इसके बाद एक्सटेंड होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। तो कोशिश करिए, इनके लिए तैयारी करिए, और अगर कोचिंग के रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए या ऑनलाइन कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, कॉल करिए 9419145317 पर, फ्री क्विज प्रैक्टिस करने के लिए हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।